इस तकनीक का नाम है टाइम लैप्स वीडियो इमेजिंग टी भी इसको बोलते हैं और इसको एम्ब्रियोस्कोप इस मशीन का नाम एम्ब्रियोस्कोप प्लस है स्कोप जानते हैं टेलीस्कोप होता है माइक्रोस्कोप होता है दूर की चीज़ को देखने को टेलीस्कोप बोलते हैं ये एम्ब्रियोस्कोप है मतलब हम लोग भ्रूण को देखते हैं कैसे माइक वो टेक्नोलॉजी इसमें आई में प्रयुक्त होती है जो कि बहुत ही एडवांस टेक्निक है हम लोग पूरे इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लाने वाले दूसरे हैं बिहार मैंने दूसरा नंबर पर था पूरे इंडिया में इस टेक्नोलॉजी को लाने में और इस टेक्नोलॉजी में फायदा यह है कि जब हम लोग नॉर्मली टेस्ट्यूब बेबी की प्रोसेस करते हैं तो उसमें एक और स्पॉम्स को निकाल के जब बॉडी से जब आपस में फर्टिलाइज करते हैं फर्टिलाइज करके पाँच दिन तक उसको रखना पड़ता है बॉडी के बाहर तो उसके लिए बहुत ही स्टेबल इन्वायरमेंट चाहिए आप सोचिए जो बच्चा नवजात शिशु पैदा होता है किसी तरह का उसको दिक्कत होता है तो हम लोग उसको आई में रखते हैं कैसे कैसे उसको जिंदा रखा जाता है बच्चे को तो ये तो एम्ब्रियोस्कोप बिल्कुल आँख से भी नहीं दिखने वाला एक छोटा बच्चा है जिसको कि माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं तो इसको कैसे पाला जाए इसको कैसे ऑक्सीजन मिले इसको कैसे न्यूट्रिशन मिले उसको भोजन जो मिले तो ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है और साथ साथ में ये भी हम लोग को देखना है कि उसका एटमोस्फियर डिस्टर्ब नहीं हो बिकॉज नॉर्मली जो आई अभी तक किया जाता था उसमें ये एग और स्पम्प को हम लोग एक फ्रिज नुमा इंस्ट्रूमेंट था इंक्यूबेटर जिसको बोलते हैं उसमें रख देते थे और फिर सीधे 24 घंटे के बाद में उसको निकाल के देखते थे कि फर्टिलाइजेशन हुआ कि नहीं अब इस दरवाजा को खोलने पे अंदर रखे हुए बाकी भी जो कल्चर डिशेज हैं जो कि और भी पेशेंट्स के हैं तो अंदर जैसे फ्रिज खोलते हैं तो अंदर का तापमान फिर गर्म हो जाता है फिर बंद करने के बाद कुछ देर के बाद वो फिर ठंडा होता है तो इसमें इम्रियोज़ जो होते हैं वे बहुत फ्रेजाइल होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और बार बार टेम्परेचर अगर गिरेगा सी ओ टू इनक्यूबेटर में जो सी ओ टू की मात्रा फिर गिरेगी उसको रिकवर करने में जो टाइम लगता है उसके चलते इम्रियो के हेल्थ पे असर पड़ता है और उसका जो विकास होना चाहिए वो बाधित हो जाता है और फिर तीसरे दिन या पांचवें दिन जब हम लोग वापस इमरीओ को इमरियो ट्रांसफर करते हैं पेशेंट के अंदर में वापस डालते हैं आई के टेक्निक में तब फिर हम लोग उस समय एक बार इम्रियो को देखते हैं कि अभी इम्रियो कैसा दिख रहा है और सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हो जाते हैं बहुत हाथ पर हम लोग के बंधे हुए एक तरह से कहिए कि हम लोग दो ही बार इम्रियों को देख के हम लोग को सिलेक्ट करना रहता है कि 10-15 इमरियों में कौन इमरीयो सबसे अच्छा है इस दौरान क्या हुआ इसकी कोई जानकारी हम लोग को नहीं होती है इसलिए कि बार बार हम लोग इंब्रियो निकाल के देख नहीं सकते हैं तो इम्ब्रियोस्कोप मशीन एक ऐसी मशीन है, है जिसमें कि कैमरा इस इंक्यूबेटर के अंदर ही लगा हुआ रहता है और हर पांच मिनट पे बिना भ्रूण को बाहर निकाले हुए भ्रूण की तस्वीर वो लेते जाता है और तीन दिन या पांच दिन जब भी हम लोग उसको वापस को ट्रांसफर करने वाले हैं उस दिन हम लोग बैठ के उसके समग्र विकास को हम लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट डे निकालने से लेकर डालने तक जितने इमरियोज थे उसमें सबसे अच्छा बिहेवियर कैसा रहा जैसे कि आप जानते हैं कि परीक्षा में भी जो सीबीएसई का आया है कि वो कंटिन्यूअस एग्जामिनेशन लेते रहने का दौर कोई हो सकता है कि लास्ट डे पढ़ के कुछ कोई बाजी मार ले लेकिन थ्रू आउट उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा हो तो इस तरह आगे जाके कैसा परफॉर्म करेगा करना मुश्किल है लेकिन जो थ्रू आउट परफॉर्मेंस अच्छा करते रहता है उसके बारे में हम लोग को ज़्यादा अच्छी तरह से पता रहता है कि ये परफॉर्म करेगा तो जैसे ये इम्ब्रियो embryo, इम्ब्रियोस्कोप uh, ये मशीन है और इसका जो पिक्चर होता है वो इस कंप्यूटर स्क्रीन पर आता है और ये डेटा पूरा स्टोर्ड रहता है ताकि हम लोग बाद में भी अगर बच्चा किसी को नहीं भी हो तो जाके देख सकते हैं वापस कि क्या इम्ब्रियो का क्वालिटी खराब तो नहीं था एग का क्वालिटी कैसा था उसका विकास ठीक से हो रहा था कि नहीं और उस तरह तरीके से क्या चेंजेस हम लोग लाए ताकि अगले साइकिल में चांसेस हम लोग का बढ़े तो एम्ब्रियकोप में डालने के बाद जो हम लोग ये डालते हैं जैसे एग आप देख रहे हैं और इसके अंदर दो प्रो न्यूक्लियस है मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस और उसके बाहर का जो लेयर है इसे जोना पेल्यूसिडा बोलते हैं जेड भी जो कि उसको रक्षक कवच होता है तो इसको हम लोग जैसे जैसे टाइम के साथ देखिए वो बढ़ाते जाते हैं कि उस समय कैसा दिख रहा था इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता हम लोग जब आए बिना इम्ब्रियो को डिस्टर्ब किए हुए उसको देख सकते हैं कि अच्छा है, उसका डिवीजन हुआ कितने देरी पे कि इक्कीस घंटे पे जैसे हुआ इसको क्लीवेज कहते हैं कि क्लीवेज सही समय पर हो रहा है कि नहीं जल्दी क्लीव हो अगर सेल डिवाइड हो जाए या लेट से डिवाइड हो दोनों हालत में चांसेज रहता है कि वो इम्ब्रियो खराब क्वालिटी का होगा और उसके डालने पे प्रेगनेंसी या तो नहीं होगी या एबनॉर्मल प्रेगनेंसी होने की चांसेस बढ़ जाती है तो ये भी कि ये फर्स्ट डिविजन कब हुआ उसके बाद इम्ब्रियो का क्वालिटी कैसा था न्यूक्लियस कितने हैं फिर वो रेस्ट लिया कि नहीं फिर उसके बाद फ्रेगमेंटेशंस हुए कि नहीं और फिर इसके बाद वो डिवाइड करके फिर चार सेल स्टेज में चला जाता है ये लगभग 33 से 48 घंटे के अंदर में दूसरे दिन तीसरे दिन तक आते आते वो और भी सेल्स में डिवाइड हो जाता है जिसको एट सेल सिक्सटीन स्टे, सेल स्टेज कहते हैं आप देखिए ये सेल डिवाइड कैसे कर रहा है उसी जोना के अंदर में और फिर धीरे धीरे ये सब सेल्स आपस में मिल जाते हैं चौथे दिन इसको हम लोग कहते हैं मोरीला तो ये मोरीला बन जाता है इसमें देखिए आप सेल बाउंड्रीज खत्म हो जाएगी तो ये होता है लगभग तिरसठ घंटे के बाद में सत्तर घंटे भी हो गए बीत गए छिहत्तर घंटे हो गए फोर्थ डे में हम लोग प्रवेश अब कर चुके हैं और अब देखिए कि सेल बाउंड्रीज धीरे धीरे खत्म होते जाती है और उसके बाद इसके अंदर एक कैविटी आती है जिसको कि हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं इसी को ये कैविटी जो होता है और ये इम्ब्रियो पूरा जो होता है इसको ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं और ये भी ये ये लिविंग इम्ब्रियो है ये एक बच्चा है और आप देख सकते हैं इसमें कितना मूवमेंट हो रहा है उस तो ये सब चीज़ हम लोग कभी भी नॉर्मल इंक्यूबेटर्स में नहीं देख सकते हैं और इसमें बिना हम लोग इम्ब्रियो को डिस्टर्ब किए हुए आराम से वापस पीछे जा सकते हैं टाइम में है, वापस आगे जा सकते हैं कि कोई तरह का दिक्कत तो नहीं है इसलिए कि जब इम्ब्रियो इम्ब्रियो को हम लोग बाहर निकाल के देखते हैं माइक्रोस्कोप में तो बहुत तुरंत हम लोग को उसको अंदर फिर वापस डालना रहता है इसलिए कि बाहर एटमोस्फेरिक एयर में उसका जो टेम्परेचर होता है वो गिरने लगता है सीओ की मात्रा गिरने लगती है जिससे उसको पोषण मिलता है तो इसमें हम लोग को ऐसा कोई डर नहीं हम लोग आराम से घंटों तक देख सकते हैं इम्ब्रियो को विदाउट डिस्टर्बिंग द इम्ब्रियो तो इम्ब्रियो पे उस पर कोई असर नहीं पड़ता है आप देख रहे हैं इसमें कितना अच्छा ये कैविटी बन गया है इसको ब्लास्टोसील कहते हैं ब्लास्टोसील और पूरे इम्ब्रियो को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं और इसमें पूरा मूवमेंट होते रहता है इस तरह का तो ऐसे और यहाँ से फिर हैचिंग भी शुरू हो गया तो इस स्टेज पे जो डे फाइव का इम्ब्रियो ऐसा बनता अगर है तो उसको हम लोग ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं अगर ऐसा नहीं बना किसी स्टेज में अरेस्ट हो गया तो वो उसी स्टेज का कहलाता है है कि डे डे अरेस्ट, है, थ्री अरेस्ट है, या डिवीजन बिल्कुल हुआ नहीं तो इम्रियो को सिलेक्ट करने में कि कौन से इम्रियो को हम लोग डालें इससे हम लोग को पता चलता है कि जैसे किसी पेशेंट के अगर इतने सारे इम्रियो हैं तो हम लोग सबका क्वालिटी देख सकते हैं कि अच्छा ये इम्रियो का कैसा है ये अच्छा है कि नहीं कैसे वो डिवाइड कर रहा है आप देखिए लाइव इसी को वीडियो टाइम लैप्स का मतलब थोड़े थोड़े देर पे हम लोग पिक्चर लेते हैं और उसको वीडियो जैसा चलाते हैं तो इससे हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा एम्ब्रियो बेस्ट क्वालिटी का है और इससे प्रेगनेंसी ठहरने में लगभग 15-20 परसेंट चांसेज नॉर्मल इन्क्यूवेटर की तुलना में बढ़ जाता है बहुत इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है एम्ब्रियोलॉजिस्ट पर लोड नहीं पड़ता है तो ये और ये मशीन में अंदर ही खुद फिल्टर सिस्टम ऐसा लगा हुआ है कि हम लोग के देश में जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है या शहर में तो उससे भी इसको बचाने में काफ़ी एडवांस्ड फिल्टर्स इसमें लगे हुए हैं वो सब चीज़ से प्रोटेक्शन होता है